तो ठीक है, आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, उस चैप्टर का नाम हमारे क्लास फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है ना, क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स? देखो, जो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है ना हमारा, फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे दो वर्ड्स मिलकर बनता है। क्या कहा मैंने? कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स है हमारा, वो दो वर्ड से मिलकर बनता है। कौन कौन से दो वर्ड है भैया? एक तो होता हमारा फ्लूइड, एक तो क्या होता सिर्फ हमारा फ्लूइड, और दूसरा कौन सा हो गया हमारा? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स तो सर हमको तो ये बताओ कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने की हमको आवश्यकता ही क्यों पड़ी? वो सोचा आप लोगों ने? तो हम लोगों को इसको पढ़ने की जो आवश्यकता है ना, इसलिए पड़ी कि जैसे मान लो भैया हमको नदी में पानी एक जगह से दूसरी जगह पे अगर उसको फ्लो कराना है ना, तो बहुत सारे ऐसी टरबाइन्स वगैरह रहते हैं, जैसे मोटर वगैरह के थ्रू में आप पानी को ऊपर चढ़ाते हो ना, तो कुछ ना कुछ सिविल इंजीनियरिंग के लिए इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस है। क्या कहा मैंने? कि कुछ न कुछ हम लोगों को इस सब्जेक्ट की कुछ न कुछ इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, इसलिए ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए नहीं पढ़ते कि इस पर एग्जाम बने ना, इस हिसाब इसको नहीं पढ़ते हम लोग, लेकिन कुछ न कुछ तो जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो कुछ न कुछ तो सीखना पड़ेगा ना हम लोगों को। बोले कि हाँ सर सीखना तो पड़ेगा। तो भैया ऐसा बताओ कि हमको ऐसा क्या सीखना है? ठीक है ना, अगर मैकेनिक्स की बात करता हूँ, अगर मैं मैकेनिक्स की अगर बात करता हूँ, तो आप लोगों ने कभी प्लेट मैकेनिक्स का नाम तो सुना ही होगा। मैंने कहा हाँ सर प्लेट मैकेनिक्स का नाम तो सुना है। तो प्लेट मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते थे? उसमें क्या पढ़ते सर? हम तो उसमें फोर्स को निकालना सीखे। अरे जैसे मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, तो उस कॉलम के ऊपर या फिर उस बीम के ऊपर कितना बल, कहाँ पे कितना फोर्स आ रहा है या कहाँ पर कितना बल आ रहा है, यही निकालना सीखा हम लोगों ने। बोले कि हाँ सर हमने तो यही सीखा है। ठीक है, तो मैकेनिक्स का मतलब ये होता है भैया कि किसी भी सब्सटेंस की अगर बात करता हूँ, सब्सटेंस का मतलब होता है मैटर, मैटर का मतलब होता है पदार्थ। अगर मैं किसी भी पदार्थ की अगर बात करता हूँ मैं, ठीक है ना, अगर मैं किसी पदार्थ की अगर बात करता हूँ, तो जो मैकेनिक्स होती है वो तीन पार्ट में होता है। पहला होता है हमारा स्टैटिक्स। अगर स्टैटिक की अगर बात करूँ, ये हमेशा इसको रेस्ट कंडीशन में यूज किया जाता है। सर रेस्ट कंडीशन में कैसे? अरे पानी को आप लोग एक बिक्कर में भर दो या एक तपेले में भर दो। क्या कहा मैंने? पानी को आप एक तपेले में भर दो, तो पानी ना उधर मिलेगा ना उधर मिलेगा, तपेले में रहेगा ना, तो कंडीशन ये होगा कि भैया उसको कहेंगे हम लोग स्टैटिक कंडीशन। उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्टैटिक कंडीशन, यानी कि पानी हमारा कैसा है, रुका हुआ है। दूसरा जो होता है हमारा काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स ठीक है ना। दूसरी कंडीशन कौन सी होती है सर हमारी? काइनेमेटिक्स। तो सर आप लोग पूछोगे ना सर तो हमको ये बताओ कि काइनेमेटिक्स क्या होती है? भैया काइनेमेटिक्स कुछ नहीं होती है कि इसमें मोशन तो होता है। मोशन का मतलब क्या होता है? इसमें गति तो हमारी होती है, ठीक है ना, इसमें मोशन तो हमारा मोशन तो होता है, लेकिन इसमें फोर्स नहीं होता। लेकिन इसमें जो फोर्स होता है हमारा,
इसमें जो फोर्स होता है नहीं होता है। सर फोर्स क्यों नहीं होता है, ऐसे बहुत सारी चीजों की मैं आप लोगों को उदाहरण दे सकता हूँ कि भैया गाड़ी जैसे काइनेमेटिक्स किसको कहते हैं हम लोग, कि जैसे गाड़ी जा रही हमारी और क्लच को उसको फ्री कर दो, क्या कहा मैंने, गाड़ी को अगर क्लच दबा के उसको फ्री कर दोगे ना तो गाड़ी ऑटोमेटिक भगती रहेगी भगती रहेगी, उस पर आप लोग कोई वर्क तक दे रहे हो ना, तो वैसे ही कंसिडर हम फ्लूड में भी कर सकते इसको, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स हो गया, उसमें हम लोग मोशन तो लेंगे लेकिन फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, नॉट कंसिडर इन फोर्स, ठीक है ना। अगला होता हमारा डायनामिक्स, अगला होता हमारा डायनामिक्स, ठीक है ना। सर जो डायनामिक्स होता है ना इसमें हम लोग मोशन को भी कंसिडर करेंगे, बोले कि हाँ, और फोर्स को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। एक बार ध्यान देना, मोशन को है ना गति कहते हैं हम लोग और फोर्स को बल कहते हैं ना, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गए हमारे, तो ये तो हो गया भी हमारा टोटल मैकेनिक्स का पार्ट, ये क्या हो गया टोटल हमारा मैकेनिक्स का पार्ट हो गया। फिर सर ये फ्लूइड होता है, फ्लूइड क्या होता है देखो, मैं अगर जहां पर अगर फ्लूइड की बात करूं, अब फ्लूइड का मतलब होता है जो चीजें भरती हुई हमको दिख जाए, है ना। तो फ्लूइड के एक बार ध्यान देना, तीन चीज होती है हमारे पास, तीन चीज होती है सर, कौन कौन सी होती है। जो पहली चीज होती है सर हमारी वो होती है सॉलिड, ठीक है ना। दूसरी चीज होती है हमारे पास गैस होती है, और तीसरी चीज होती है हमारे पास सर वाटर, हाँ सॉलिड हो गया, गैसेस हो गया, वाटर हो गया। अरे क्या ऑयल कभी फ्लूइड नहीं होता है क्या, होता है ना। हम तीन चीज को कंसिडर कैसे करेंगे सर, ऑयल भी तो हमारे पास फ्लूइड होता है, अरे लिक्विड भी तो होता है ना। या एक काम करो, लिक्विड की बात करो आप लोग, कुछ मत लिखो सर, आप तो लिक्विड लिख दो यहाँ पर, यार दिख नहीं रहा को, या इसको मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ सर, आप है ना लिक्विड की बात करो यहाँ पर, ठीक है। इसकी बात कर ले हमने सर, लिक्विड की बात कर ले यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किसकी बात कर ली, लिक्विड की बात कर ली। तो लिक्विड की अगर बात कर रहा हूं तो एक बात ध्यान देना, इसको ऐसा ना लिखो, ऐसा लिखो, ठीक है भैया। अगर मैं जहां पर फ्लूइड की अगर बात करता हूं मैं यहां, तो हमारे पास गैसेस, सॉलिड और लिक्विड, तो हमेशा एक बात आप लोग ध्यान देना कि फ्लूइड में कभी भी सॉलिड को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। क्या कहा मैंने, कि फ्लूइड में कभी भी हम लोग सॉलिड को कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भैया, ये होता है हमारा ठोस, ठोस पदार्थ होता है ना हमारा, ये हमारा ठोस पदार्थ होता है, इसीलिए हम लोग सॉलिड को कंसिडर नहीं करते। तो सर फिर ये बताओ हमको, एक बात ध्यान देना कि गैसेस की अगर बात करूंगा मैं, गैसेस ये होता है ये हमारा फ्लूइड, जो गैसेस वगैरह होती है ना ये होती है हमारे टोटल फ्लूइड। तो हम लोगों को गैसेस और लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर फ्लूइड, ठीक है। लेकिन सॉलिड कभी भी हमारा फ्लूइड नहीं होता है, ठीक है, सॉलिड कभी भी हमारा फ्लूइड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए हमारा, तो सर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में से कौन सी चीज पढ़ने वाले जो हमको अच्छी लगे, तो मैं कहूंगा सर हम फ्लूइड में ना लिक्विड की जगह हम यूज कर सकते हैं वाटर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग ना ही गैस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और ना ही लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, और लिक्विड में भी कौन सा पढ़ेंगे सर, हम पानी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, पानी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को, अगर देखो मैं अगर फ्लूइड की अगर यहां बात करता हूं मैं, अगर फ्लूइड के ऊपर
क्या हुआ, क्या कौन जाना है लाइब्रेरी देखना आपको, ये क्यों दिखा ना सामने वाला क्यों दिखता है जाली से साइड में कैसे सीधे जाओ, उस टाइम पेट में जाना सर से बात करें चाहिए ना, उससे सीधे जाना, सीधे जाना होगा उधर कोने में, हाँ उधर कोने में यहाँ पे चलने के लिए हम लोग उससे लोग ये सीधे तो ना वहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है भैया कि अगर मैं यहाँ पर फ्लूइड की अगर बात करता हूँ सर, मैं अगर फ्लूइड के ऊपर अगर कोई फोर्स लगाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं अगर कोई फ्लूइड के ऊपर अगर फोर्स लगाता हूँ या फोर्स को डेवलप करता हूँ, तो एक बात कहना, अगर पानी है उस पानी के ऊपर अगर आप बल लगाओगे ना, है ना, पानी है उस पानी के ऊपर अगर बल लगाओगे, ठीक है, अगर कोई पानी है उस पानी के ऊपर अगर बल लगाओगे, तो एक बात ध्यान देना भैया कि बहुत ऑब्जेक्ट, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, कंफर्म बन सकता है, ठीक है ना। अगर पानी के ऊपर अगर थोड़ा सा अगर फोर्स लगा दिया या फोर्स को अप्लाई कर दिया, तो भैया वहां पर हमारा हमेशा कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन होगा। क्या सुना आपने कि अगर किसी फ्लूइड के ऊपर अगर बल लगाते हैं, तो वहां पर हमेशा कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा। कैसे होगा सर? अरे यार, जब भी तो नदी का पानी बहता है ना, अरे जब भी तो नदी का पानी बहता है, बोले सर उसमें तो हमने कोई बल लगाया ही नहीं है, उसका तो बल कभी लगाया ही नहीं, क्या नदी हमारी ढलान में नहीं होती क्या? सर होती तो है, क्या उसके ऊपर कभी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होता है क्या? मैंने कहा सर ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आया, अरे गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा भी तो पानी बहता है ना हमारा। बोले कि हाँ सर ये बात भी सही है, क्या जिस दिशा में अगर पानी बह रहा है और उसी दिशा में अगर हवा भी जा रही है, तो उसको फोर्स उसको पानी धकेलेगी ना। बोले कि हाँ सर ये बात भी है। तो एक बात ध्यान देना कि जहां पर अगर फ्लूइड की बात कर लूं मैं, अगर फ्लूइड के ऊपर अगर कोई फोर्स लगता है, तो वहां पर हमेशा कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। और यही क्वेश्चन आपको तो बताने वाला हूं, ठीक है ना, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। और इसी कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को हम लोग फ्लो प्रॉपर्टी कहते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी कहते हैं, क्या बात है, ठीक है ना। क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे यहां पूछेगा भैया कि फ्लूइड है ना एक फ्लो प्रॉपर्टी है, और फ्लो प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि भैया उसके अंतर्गत कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है ना। कंटिन्यू डिफॉर्मेशन का मतलब है कि भैया वो लगातार बहता रहता है पानी, लगातार कुछ ना कुछ में इंक्रीमेंट होता रहता है। अच्छा ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको रैप करके थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक तरफ लिख दिया मेरा सॉलिड और एक तरफ हमने क्या लिख दिया है फ्लूइड, और एक तरफ लिख दिया हमने क्या फ्लूइड, ठीक है। तो हम लोगों
फ्लूइड के बीच में डिफरेंस बताना है कि भैया फ्लूइड किसको कहेंगे हम लोग और सॉलिड किसको कहेंगे। ठीक है, सॉलिड किसको कहेंगे? देखो भैया, डस्टर है मेरा, सॉलिड मटेरियल है ना, जो ठोस पदार्थ है ना। तो आप लोग कहोगे हाँ सर, डस्टर तो आपका ठोस पदार्थ है। तो भैया इसमें ये कह सकते हैं हम लोग कि इसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट भी है और इसका कुछ एंड पॉइंट भी है, यानी कह सकते हैं कि बिगिनिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा होता है किसमें? सॉलिड में। तो पहली बात देख रहा हूं यहां पर सॉलिड पॉइंट में, सॉलिड में सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल हैज बिगनिंग एंड बिगनिंग एंड एंड पॉइंट एंड पॉइंट। आइए अब ये समझ में कि सॉलिड मटेरियल में हमेशा बिगिनिंग और एंड पॉइंट होता है, जैसे मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया है। ठीक है, अगर मैं यहीं पर अगर फ्लूइड की अगर बात करता हूं, है ना, अगर मैं फ्लूइड की अगर बात करता हूं तो फ्लूइड इज फ्लूइड इन, फ्लूइड इज नॉट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ठीक है, फ्लूइड इज नॉट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। अरे अगर आप लोग अगर किसी पानी को बहाते हो तो नदी या नाले को बहाते हो तो भैया उसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होता है और ना ही एंड पॉइंट होता है। ठीक है ना, लेकिन टू स्टडी ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रीम, भैया हमेशा फ्लूइड के अंदर हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? हमेशा जहां पे कंटिन्यूस स्ट्रीम हो या नदी नाले का जो पानी हमेशा है ना बहता ही रहता है, कहीं रुकता ही नहीं, तो उसको इसका अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे हम लोग? फ्लूइड के अंतर्गत करेंगे। मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर वाटर की बात नहीं करी, मैंने वाटर के तौर पे सिर्फ लिक्विड के तौर पे मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैं वाटर लूंगा कहा था ना, लेकिन यहाँ पर मैं ओनली सिर्फ फ्लूइड की बात कर रहा हूँ। अब फ्लूइड में ऑयल्स भी हो सकता है या फिर पानी भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास वो कैसे होते हैं? डेंसेस्ट स्पेस। कैसे सर? आपने इसको डेंसेस्ट स्पेस क्यों बता रहे हैं? अगर ये कोई ठोस पदार्थ है हमारा तो इसके अंदर जितने भी कण होंगे ना सब ठोस है ना, जब ये बज रहा है ना बोले कि हाँ सर इसके मॉलिक्यूल्स तो है ना हमेशा डेंस होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना कि जो फ्लूइड में अगर बात करूं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते सर? लूजली होते हैं। मैंने सर आपने ये लूजली कैसे कह दिया? अरे पानी को अगर आप उठाओगे तो हाथ में उठेगा नहीं क्या? बोले क्या हाँ सर ये उठ जाएगा। देखो एक होता डेंस होता है, एक लूजली पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो अपन यहाँ पर कंसिडर कौन सा करेंगे? हमेशा लूजली पार्टिकल्स करेंगे या लूजली स्पेस लिख रहा हूँ, मतलब उसके बीच का जो गैप होता है ना हमारा, उनके बीच का जो गैप होता है ना वो हमेशा कैसा होता है? थोड़ा लूज टाइप होता है, एक मुलायम टाइप होता थोड़ा। ठीक है, एक बात ध्यान देना
अगर मैं जब आप लोग जो पढ़ चुके होंगे या फिर जो मोस्ट अगले सेमेस्टर में अपना सब्जेक्ट आएगा तो वहां पर मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि जो स्ट्रेस होता है हमारा, जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। जो स्ट्रेस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। सॉलिड में क्या होता है यार कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। आप ही सिर्फ इसको इतना ही ध्यान रखो, मैंने क्या कहा कि स्ट्रेस आप लोग को जब मोस्ट पढ़ोगे या फिर सॉन्ग पढ़ोगे तो वहां पर आप लोग अच्छे डिस्कस या जिसको पता होगा वो चीज आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लूइड में, अगर वो फ्लूइड होता है कि इसमें जो शियर स्ट्रेस होता है ना इसमें स्ट्रेस नहीं लेंगे, एक बार ध्यान देना, फ्लूइड में हमेशा कभी स्ट्रेस लेना ही नहीं हमको। तो इसमें जो शियर स्ट्रेस होता है, इसमें जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। बोले सर शियर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? सर ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेस क्या होता है इसको बताना चाहूंगा मैं। स्ट्रेन वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू टाइम, स्ट्रेन वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कहने का अर्थ ये हो गया सर, हम ये देखेंगे अब पानी कैसा होता है। देखो पानी कैसा रहता है, ये एक लेयर हो गई हमारी, ये दूसरी लेयर हो गई, तो एक लेयर दूसरी लेयर ऊपर तो फिसल रही है ना। बोले क्या, हाँ सर फिसल रही है, ठीक है। एक लेयर जब दूसरी लेयर ऊपर फिसलती है तो वो तक या सिया वो कितना, एक पानी हमारा ये बिंदु यहाँ पर था और यहाँ पर चले गए, उसमें कितना चेंज हुआ और कितना टाइम में हुआ वो होता हमारा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। वो होता हमारा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है ना, इसको थोड़ा आगे लिखते हैं भैया, इसको चौथा पॉइंट, ठीक है ना। चौथा पॉइंट ये कहता है कि भैया इसके अंदर फ्लो प्रॉपर्टी अब्सेंट होती है। देखो चौथा पॉइंट है फ्लो प्रॉपर्टी इज अब्सेंट, ठीक है ना। दैट इज नो कंटिन्यूअस, दैट इज नो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर द नो कंटिन्यूशन डिफॉर्मेशन अकर्स अंडर द फोर्स, ठीक है भैया। सॉलिड के अंदर हमेशा फ्लो प्रॉपर्टी होती नहीं है जब तक कि उसके कोई भारी बल आप लोग नहीं लगाते हो। अगर मैं इसकी बात कर लूं यहां पर फ्लो प्रॉपर्टी इज कंसिडर अकर्स एक्शन अंडर द फोर्स, ठीक है। तो भैया ये कुछ हो गए हमारे, ठीक है ना, ये कुछ हो गए हमारे भैया सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस, है ना। ये कुछ पॉइंट हो गए हमारे सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस। एक मिनट ना,
ठीक है, ये हो गया हमारे पास तो सॉलिड टू लिक्विड में डिफरेंस। अब इसको थोड़ा इसको चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको ज्यादा बेटर होगा कॉपी पेन लेके साथ में बैठोगे ना आप लोग। अगर कॉपी पेन लेके बैठोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं यहां पर। देखो जो फ्लूइड होता है ना हमारा, अगर मैं यहां पर अगर फ्लूइड की बात करता हूं, अगर मैं यहां पर फ्लूइड की अगर बात करता हूं तो फ्लूइड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, तो जो फ्लूइड के अंदर हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं सर? लूजली लूजली होते हैं ना। देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ कहीं ये रहा है ना, तो जो फ्लूइड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं सर? लूजली होते हैं, ठीक है ना। तो एक बार ध्यान देना यहां पर आप लोग, तो अगर फ्लूइड के अंदर मॉलिक्यूल्स लूजली हो तो जो मॉलिक्यूल्स होता है ना हमारा, इसके अंदर जो गैप होता है, गैप होता है, गैप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, गैप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। यानी कहने का अर्थ ये होगा कि अगर पानी है और पानी के अंदर एक पानी के अंदर कुछ ना कुछ तो कण होंगे हमारे, बोले कि हाँ सब होते हैं, तो उनके बीच में जो गैप होता है ना, उसके उनके बीच में जो पानी का अंदर गैप होता है ना, यह ध्यान देना कि उस फ्लूइड में हम लोग जो पढ़ेंगे वहां पर इसको निकले जी बल कंसिडर करते हैं, कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो गैप होता है उसके निग्लिजिबल होता है, उसके अंदर हम लोग मॉलिक्यूल्स के अंदर जो गैप होता है उसको हम लोग निग्लिजिबल कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखो अभी मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं यहां पर, इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं अभी।